इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर महाराष्ट्र। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, यह जो कार्यक्रम है जैसा कि मैंने कहा बहुत चर्चित है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बहुत चर्चित क्यों कहा। यह कार्यक्रम शुरू होके मात्र 4 या 5 महीने ही हुए हैं और इसका डंका पूरे देश विदेश में बजने लगा है। यह जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो श्रावकगण अपने आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक या व्यवहारिक जिनका सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं और इसके माध्यम से उनके समीचीन विकल्पों का शमन हो रहा है, तो उनके जो कमेंट्स आते हैं या उनके जो फीडबैक्स आ रहे हैं वह हम मुनिश्री के पास पहुंचाते हैं और उनके जो फीडबैक्स और कमेंट्स को हम इनकॉर्पोरेट करके इसके चेंजेस भी कर रहे हैं। और मुझे बताते अत्यंत खुशी हो रही है कि ऐसा ही मुनिश्री हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे और यह कार्यक्रम ऐसा ही उत्तर उत्तर अपनी ऊंचाई को प्राप्त होता रहे। और आज आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज को विनंती करता हूँ कि वह इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए इस कार्यक्रम को गति प्रदान करे। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आत्मकल्याण का एक ऐसा अनूठा उपाय, एक ऐसा कार्यकारी उपाय जो हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो रहा है। और हम सभी का पुण्योदय है कि अल्प समय में ही यह ऊंचाइयों के शिखर को प्राप्त हो रहा है। सभी श्रावकों के पुण्ययोग से यह समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान अब जन जन तक पहुंच रहा है। और ऐसा इस समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान में देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन, परम पूज मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, इस पंचम काल में हमें कितने भव मनुष्य के मिलेंगे और उसमें भी कितने भव पुरुष के, कितने स्त्री के भव और कितने नपुंसक, और अगर इनकी कोई संख्या है तो क्या यह संख्या तीर्थंकर की वाणी में आई है, और इतनी ही क्यों। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। करणानियों के ग्रंथों में जीवों के मनुष्य भव आदि के विषय में आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर गणित बताया है। वह मनुष्य भव के विशेषण में या मनुष्य भव के निमित्त से व्याख्यान करते हैं कि जैसे ही जीव निगोद से निकलता है और जो उसके लिए 2000 सागर की जो त्रस पर्याय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है, ऐसे उस 2000 सागर के समय में ही जीव अपने उस मनुष्य भवों को प्राप्त करता है। उस 2000 सागर वर्ष के आयु में या काल में सभी पर्यायों की लगभग नियत संख्या आचार्य भगवान प्रदान करते। उसमें से 2000 सागर के काल के लिए जब जीव निगोद से निकलकर पुनः निगोद में जाने का काल निर्धारित किया गया, उतने में जीव 48 भव को प्राप्त करता है और
उनमें से भी 16 भव पुरुष, 16 भव स्त्री और 16 भव नपुंसक। इस प्रकार से जीव 48 भवों को 2000 सागर वर्ष तक के काल में ही प्राप्त करता है। क्योंकि आपका प्रश्न पंचम काल से संबंधित है, पंचम काल में कोई मनुष्य भव की स्त्री पुरुष नपुंसक आदि की अपेक्षा से या किंचित अन्य किसी भी अपेक्षा से पंचम काल की गणना तो किसी ग्रंथ में प्राप्त नहीं होती। जहाँ तक हमने ग्रंथों का अध्ययन किया है, वहाँ पर वह 2000 सागर वर्ष का जो काल निगोद से निकलकर पुनः निगोद जाने के अंतराल काल कह दो या त्रस पर्याय का काल कह दो, वह 48 भवों की गणना मात्र उस 2000 सागर वर्ष के निमित्त से है, पंचम काल के निमित्त से नहीं है। पंचम काल में वह कितनी बार मनुष्य बनेगा, स्त्री पुरुष नपुंसक आदि कितने भव प्राप्त करेगा, ऐसा पंचम काल के निमित्त से कोई भी उल्लेख आगम ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता। और साथ साथ जो 2000 वर्ष के आयु काल में जो 48 भव स्त्री पुरुष और नपुंसक के मिलके मिल रहे हैं, उसकी संख्या उतनी ही क्यों क्यों क्या यह आगम के सिद्धांतों में किंचित भी तर्क कारण नहीं खोजे जाते? जो जैसे सिद्धांत कहे गए हैं, उन सिद्धांतों के अनुसार ही हमें श्रद्धा करते हुए आज्ञा सम्यक का पालन करना परम आवश्यक है। क्योंकि जो करणानियों के सिद्धांत है, ये करणानियों के सिद्धांत अन्य सभी सिद्धांतों से अकाट्य होने से वह किंचित किसी भी प्रकार से काटे नहीं जा सकते या किंचित किसी प्रकार से उसे तर्कों से हम किंचित भी बदलाव में नहीं ला सकते। इसलिए जो करणानियों के सिद्धांत है, जो 8 कर्म, उनकी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग आदि के निमित्त से सिद्धांत दिए हैं, साथ साथ ये आयु कर्म के निमित्त से जो उनकी संख्या आदि दी गई है, वह ऐसा ही करणानियोग का सिद्धांत है, ऐसा ही नियोग हुआ करता है। इसलिए उसको आज्ञा सम्यक कह के हमें जैसा का वैसा ही स्वीकार करना आवश्यक है। क्योंकि आगम तर्क गोचरा, आगम पे कभी भी तर्क नहीं चलता, वह श्रद्धा का विषय बनाकर, परोक्ष ज्ञान मानकर उसे हमें वैसे ही ग्रहण करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से आयुषी जैन परम पूज मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सम्यक दृष्टि जीव नारी पर्याय में जन्म नहीं लेता, पर क्या नारी पर्याय का जीव सम्यक दृष्टि बन सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी अपने ग्रंथराज रत्नकरण श्रावकाचार में इस विषय में प्रकाश डालते हुए कहते हैं, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंस नपुंसक स्त्रीत्वानी दुष्कृत विकल्प आयु व्रजंती नाप्तिवृतिका। यानी जो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव होता है, वह कभी भी किंचित भी किसी भी प्रकार से नारक, नारकी, तिर्यंच यानी जानवर और स्त्रीत्वानी यानी स्त्री पर्याय, इन पर्यायों को अगले भवों में प्राप्त नहीं करता, क्योंकि वह सम्यक दर्शन से शुद्ध। सम्यक दर्शन की ऐसी अद्भुत महिमा है कि मात्र 7 तत्वों पर, जीव तत्व पर, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर निरतिचार पूर्वक निर्दोषता से श्रद्धान करने से जीव को आने वाले भवों में किंचित भी नरक पर्याय, तिर्यंच पर्याय, स्त्री पर्याय और दुष्कृत यानि किंचित भी किसी दुष्कुल में का लूले लंगड़ी पर्याय में वह जीव कभी भी जन्म नहीं लेता। यह एक बहुत बड़ा करणानियोग द्रव्यानियोग का सिद्धांत समझना होगा। और इसी के निमित्त से जो आपने विकल्प भेजा है, वह परम सत्य है कि कोई स्त्री किंचित भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने से के बाद स्त्री नहीं बन सकती, या कोई भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद
कभी भी नरक, तिरियंस और स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं करता, पर ऐसा भी पुराण ग्रंथों में देखने को मिलता है कि जिन्होंने नरक पर्याय को प्राप्त किया, सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया, उसके विषय में हमें यह सिद्धांत समझने योग्य है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद वह नारकी, तिरियंस और स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं करते, पर अगर पहले से ही ऐसा कुछ गणित बना हो या उसके बाद उन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया हो तो वह उस पर्याय में पहुंचकर सम्यक दर्शन आदि को प्रकट कर सकता है। जैसे कि श्रेणी के विषय में आपने पढ़ा सुना होगा कि नरक आयु का बंध होने के बाद वह नियम से श्रद्धान करते हुए उस सम्यक को प्राप्त करने की शक्ति आदि नहीं रखता, पर जो सम्यक दृष्टि होता है वह भी नरक में नहीं जाता, पर फिर भी वह कर्मों का कुछ ऐसा गणित होता है कि जीव नरक में पहुंचकर या स्त्री पर्याय में पहुंचकर जैसे कि पहले तीन नरकों तक सम्यक प्राप्त करने की शक्ति ग्रंथों में बताई गई है, ऐसे ही स्त्री पर्याय प्राप्त करने के बाद भी स्त्री पर्याय में अगर निर्दोषतापूर्वक निरतिचार पूर्णता से जो 25 दोषों से रहित होकर तत्वों पर, देवशास्त्र गुरु पर अगर श्रद्धान किया है तो वह सम्यक दर्शन को प्राप्त नारी पर्याय में, तिर्यंच पर्याय में और नरक पर्याय में भी प्राप्त कर सकता है, उसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, परम पूज मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए दर्शन की अभिलाषा एवं आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जो आकांक्षाओं में जीता है वह बहिरात्मा है और जो आवश्यकताओं में जीता है उसे अंतरात्मा कहते हैं। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए इसे स्पष्ट करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ज्ञातुर अभिप्रायो व नया, वक्तुर अभिप्रायो व नया। आगम में बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान कहते हैं कि ज्ञाता का या वक्ता का जो अभिप्राय होता है वह नय होता है, और नय से जो भी वस्तु का, द्रव्य का, क्रिया का कथन किया जाता है वही आगम के परिपेक्ष में स्यादवाद अनेकांत कहा जाता है। बहुत अच्छी समझने जैसी बात यहाँ पर यह है कि जो आगम में आचार्य भगवंतों ने जो द्रव्य की, तत्व की प्ररूपणा की है, उस तत्व की, द्रव्य की प्ररूपणा करते हुए उसको अनेक प्रकार से नए और अनेक प्रकार के अपेक्षाओं से उसका कथन किया गया है। जिसकी जैसी जिस समय पर अपेक्षा होगी, कथन होगा, बिल्कुल वैसे ही उसे समझना होगा, क्योंकि वस्तु तो वास्तविकता में एक ही होगी, द्रव्य भी एक होगा, पर उसको कथन करते समय, ग्रहण करते समय उसकी भिन्न भिन्न प्रकार से उनकी अपेक्षाओं को भी हमें ग्रहण करना आवश्यक होता है। ऐसा ही जो अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा के नियम से रूप आत्मा के जो तीन भेद आचार्य भगवंत करते हैं, वहाँ पर आचार्य भगवंत बहुत अच्छे तरीके से यही हमें समझाते हैं। जो अपने शरीर और आत्मा को एक जानता है वह नियम से बहिरात्मा होता है, जो अपने शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जानते हुए तत्वों पर श्रद्धान करते हुए देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता है वह अंतरात्मा है, और साथ साथ इन सब से परे होकर कर्मों का नाश करके जो अपने आत्म स्वरूप को, सत्य स्वरूप को, परमात्म स्वरूप को प्रकट कर चुका है वह परमात्मा कहलाता है। और इसको ही अनेक अपेक्षाओं से, अनेक कथनों से विद्वानों ने, आचार्य भगवंतों ने और भी अच्छे से समझाते हुए अनेक दृष्टांत बताए। जैसे कि आपने अपने विकल्प में पूछा है कि आवश्यकता में जीने वाला और आकांक्षाओं में जीने वाला, जीव वही आकांक्षाओं में जीता है जो अपने शरीर और आत्मा को एक सा ही मानते हुए उस आत्मा के
ऊपर लक्ष्यपात ना करते हुए शरीर की आकांक्षाओं को ही पूर्ण करने के लिए जीता है। समझने जैसी बात है, जिसके पास ये भीतर के तत्व का निर्णय है कि मेरी आत्मा ये शरीर भिन्न है और जब तक मैं संसार में हूँ तब तक मुझे इस शरीर को साथ लेकर चलना है, इसलिए वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्तियाँ तो करता है, यानी समय पे भोजन दे देना, समय पर विश्राम, वस्त्र आदि, ये सब कुछ देने के बावजूद भी उन आवश्यकताओं को समय पर पूर्ण करते हुए भी उसके भीतर ये निर्णय है कि ये शरीर मुझसे भिन्न है, इसलिए वह जितनी आवश्यकता है इंद्रियों के निमित्त से उतनी ही आवश्यकताओं को ही प्राप्त करता है, ना कि प्रत्येक समय और मिल जाए और मिल जाए इस आकांक्षाओं में जीता है। जो अधिक अधिक आकांक्षा इच्छाएं करता है वह अपने भीतर के भेद विज्ञान को प्राप्त कर नहीं पा रहा है, इसलिए वह बहिरात्मा है। और वही जिसने भेद विज्ञान किया है पर फिर भी यह निर्णय है कि परमात्मा बनने तक संसारी अवस्था में शरीर इंद्रियां साथ रहेगी, ये निर्णय करते हुए मात्र चंद आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो तत्वों पर श्रद्धान करते हुए जीता है वही अंतरात्मा होता है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से रोशन जैन परम पूज्य मुनिषि के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब हम रात्रि में विश्राम के लिए जाते हैं तो एक बार नवकार का जाप करते हैं, तो कुछ लोग अपने बेड पर बैठकर ही नवकार मंत्र का जाप करते हैं, ये उचित है या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पवित्रो पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापे प्रमुच्यते। बहुत अच्छा श्लोक देते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, पवित्र हो अपवित्र हो, सुस्थिति में हो दुस्थिति में हो, अगर जीव पंच नमस्कार यानी पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए नमोकार मंत्र का ध्यान कर रहा है, चिंतन कर रहा है, तो नियम से पापों से दूर होता है। पर यहाँ पर यह बात बहुत अच्छे से समझने योग्य है कि आचार्य भगवंतों ने जहाँ अपवित्र पवित्र सुस्थिति दुस्थिति आदि का उल्लेख किया है, वहाँ पर वे स्पष्ट कह रहे हैं कि ध्यायेत पंच नमस्कारम, स्मरेत पंच नमस्कारम, चिंतेत पंच नमस्कारम, ना कि जोर से बोलने की उच्चारण करने की वहाँ पर आज्ञा दी गई। समझने जैसी बात यहाँ पर यह है कि जो पंच नमस्कार रूपी महामंत्र के लिए आचार्य भगवंत सुस्थिति दुस्थिति पवित्र पित्तता का भेद नहीं करते हैं, वहां आचार्य भगवंत का अभिप्राय मात्र पंच नमस्कार मंत्र नमोकार मंत्र का ध्यान चिंतन और उसकी भावना एकाग्रता से अपने भीतर भाने की है, ना कि मुख को चलाना, उंगलियों को चलाना या जोर जोर से उच्चारण करना, यह कभी भी वहां पर स्वीकार नहीं किया गया। जब भी हमें उस नमोकार पंच नमस्कार मंत्र को नमोकार मंत्र को जोर से उद्घोषित करना है तो वहां पर हमें अपनी सुस्थिति दुस्थिति अपना स्थान आदि सबका निर्णय करके ही कार्य को करना उचित कहा गया है, क्योंकि यह भी बात हमें समझने योग्य है, हम भगवान पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो वह स्मरण करते समय हम स्थान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का विवेक रखे नहीं रखे, पर जब उसका उच्चारण करेंगे अपवित्र स्थान पर हमारे मुख से अगर वह पंच नमस्कार मंत्र निकल रहा है तो वहाँ की वर्गणाएं हमें प्रभावित कर सकती है, साथ साथ झूठे मुख से अगर हम उच्चारण कर रहे हैं, बेड पर आदि अशुद्ध स्थानों पर बैठकर अगर उच्चारण कर रहे हैं तो नियम से पुण्य की जगह हमें कथनचित पाप भी लगेगा। ये बात हमें समझने योग्य होगी। अगर निद्रा लेने से पहले या रात्रि विश्राम करने से पहले नमोकार पढ़ना भी है, कायस्थ करना भी है, और बहुत अच्छी बात तो ये है कि हम जमीन पर खड़े होकर करें और बेड पर भी बैठ के करना है तो कम से कम मन में ही चिंतन रूप व कायस्थ करें, ना वहां हम उंगली चलाए
ना अपने मुख को चलाए ना अंदर जिह्वा को चलाए। अगर हम स्मरण रूप 9 बार नमोकार करते हैं, ध्यान में कर रहे हैं, चिंतन में कर रहे हैं, तो वहाँ पर चाहे बेड हो, चाहे मंदिर की फर्श हो, कहीं भी बैठकर हम कर सकते हैं। पर उच्चारण करते समय हमें यह विवेक रखना आवश्यक है कि हम अशुद्ध द्रव्य या अशुद्ध क्षेत्र में तो नहीं है, अशुद्ध स्थानों पे तो नहीं है, अशुद्ध काल तो नहीं है। पर इसलिए यह निर्णय हमें करके ही कार्य करना आवश्यक है। किसी अपेक्षा से हम ये भी निर्णय कर सकते हैं कि कचित कदाचित किसी विषमता के कारण हमें नमोकार पढ़ना पड़ा, स्थान क्षेत्र उचित नहीं था, पर फिर भी वह स्थान क्षेत्र काल आदि की शुद्धि के लिए ही हमने अगर नमोकार मंत्र पढ़ा है तो उसमें भी दोष नहीं है। पर प्राय करके आप यही प्रयास करें कि विश्राम करने से पूर्व जो आप नमोकार पढ़ रहे हैं, अगर कायोत्सर्ग पूर्वक हाथ की उंगली, मुख चलाना आदि क्रियाएं हो रही है तो वह बेड आदि पर ना करें, क्योंकि वह बेड पर कितना ही शुद्धि और कितने ही स्वच्छ वस्त्र क्यों ना भी हो, वह अशुद्ध ही कही जाने वाली सामग्री है। इसलिए अगर आपको बेड पर ही बैठकर किसी कोई जीव करता है, कोई व्यक्ति घर का करता है, तो उनके लिए आप यही सुझाव कर सकते हैं कि आप अपना मुख बंद करें, अपनी उंगली चलाना बंद करें और भगवान का नाम स्मरण भीतर ही भीतर अगर कर रहे हैं, चिंतन रूप, मनन रूप, एकाग्रता रूप, ध्यान रूप कर रहे हैं, तो उसमें किंचित भी दोष नहीं है। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनकी शुद्धि के साथ हमें भगवान का नाम स्मरण अपने अंतरंग बहिरंग दोनों निमित्त से स्थान आदि काल आदि देखकर ही करने योग्य है, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से श्रीमती मीना जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, महलों की ऊंची श्रेणियों के सामने जो उत्तुंग दरवाजे होते थे, तो ये उत्तुंग दरवाजे क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रेणी का एक अर्थ पंक्ति भी हुआ करता है। जो महलों की श्रेणी आदि का वर्णन प्राप्त होता है, वहाँ पर जो विद्याधर हो चा या कोई बड़े राजे महाराजे मंडलेश्वर चक्रवर्ती के निमित्त से जो महल और महलों की पंक्तियाँ है, उसे ही महलों की श्रेणी कहा है। एक प्रकार से जो उन महलों की पंक्ति के साथ साथ महलों के भीतर भी जो कक्ष कमरे आदि है, उनकी पंक्ति को भी श्रेणी कहते हैं। ऐसे उन पंक्तिबद्ध श्रेणीबद्ध क्रम से महल, क्रम से कमरे आदि को ही वहाँ आचार्य भगवंत उल्लेख करते हुए श्रेणी महलों की कक्षों की ऐसे वहाँ पर ग्रहण करते। और वहाँ जहाँ जहाँ वह दरवाजों का वर्णन आता है, वह दरवाजे किसी भी प्रकार से छोटे नहीं होते हैं। जितने विशाल उत्तंग महल, उत्तंग कक्ष होते हैं, ऐसे ही उत्तम से उत्तम राज वैभव से युक्त वह दरवाजे होते हैं। जहाँ वो दरवाजों की आदि व्याख्या प्राप्त होती है, वहाँ जो उत्तंग शब्द है, वह दरवाजों की मात्र ऊंचाई के लिए ही नहीं है, अपितु जो दरवाजे होते हैं, वह विशेष विशेष रूप से सौंदर्यकरण में उत्कृष्ट होते हैं, ऊंचाई में उत्कृष्ट होते हैं, मजबूती के कारण से भी उत्कृष्ट होते हैं। तो वहाँ आचार्य भगवंतों का अभिप्राय मात्र इतना सा है कि उत्तुंग जो महलों की श्रेणियों का व्याख्यान है और उसके साथ जो उत्तुंग दरवाजे कहे हैं, वहाँ उत्तंग से अभिप्राय मात्र दरवाजों की ऊंचाई नहीं है। दरवाजे के जो महलों के कक्ष के हैं, वे स्वयं में उत्तुंग यानी बहुत ऊंचे दरवाजे तो है ही, पर साथ साथ उनकी सजावट, उनके सौंदर्यीकरण, उसकी मजबूती, सब में उसकी उत्तुंगता, उत्कृष्टता होने से वह दरवाजों की उत्तुंगता आचार्य भगवंत बताते हैं।
कोई भी सामान्य व्यक्ति भी आसानी से दरवाजों को खोलकर तोड़कर अंदर नहीं पहुंच सकता, इसलिए मजबूती की अपेक्षा से वह उत्कृष्ट उत्तंग है। साथ साथ कोई 7 फीट 5 फीट आदि के दरवाजे नहीं होते थे। आपने पुराने किलों महलों आदि में भी पहुंचकर देखा होगा, मुख्य दरवाजा कई फोटों का कई मीटर का होता है। पुनः कक्ष भी जो होते हैं वहाँ के भी कमरे कई ऊंचाई को लिए हुए होते हैं। साथ साथ वह दरवाजों की बनावट लकड़ी हो या किसी भी प्रकार की बनावट हो, वह विशेष रूप से सौंदर्यकरण से युक्त होती है। इन सभी बातों को संक्षेप में एक ही शब्द में आचार्य भगवंत स्पष्ट करते हुए उत्तुंग दरवाजे ऐसे उस महलों की श्रेणी के प्रकरण में प्रथमान योग में आपको पढ़ने को प्राप्त होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जीनंद बंधु, हम सभी आज देख रहे थे YouTube चैनल का बहुत चर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम आप YouTube चैनल सुप्रभ वाच में प्रतिदिन शाम को 5:13 में प्रसारित होता है, और इस कार्यक्रम को फेसबुक के माध्यम से भी देखा जा सकता है। फेसबुक पे सुप्रभ वाच या सुप्रभ वाच या फिर श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज से आप जुड़कर एवं आप इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। नीचे पट्टी पे या स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं, जो व्हाट्सएप के नंबर चल रहे हैं, आप उस पे अपना ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आप अपना सम्यक समाधान हमें भेज सकते हैं, और यह सम्यक समाधान को हम एकत्रित करके मुनि श्री प्रणत सागर जी के माध्यम से, मुनि श्री सुप्रभ सागर के मुखारविंद से हम इसका सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और मैं दोनों मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ, और उनकी यह अनुकंपा ऐसी हमारे ऊपर बने रहे और यह कार्यक्रम उत्तुंग शिखरों पर ऊंचाई पर प्राप्त करे, यही कामनाओं के साथ मैं आज के कार्यक्रम को विराम देता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर महाराष्ट्र।